दोस्तों, आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो अपने सैलरी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो लगभग 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास होता है दोस्तों, और बस चेहरे पे एक फेक स्माइल लेके अपने दफ्तर को निकल जाते हैं और भीड़ में शामिल हो जाते हैं और रोज़ की ज़िंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, बस आपको एक छोटी सी प्लान की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, जो भी है दोस्तों यहाँ पे पूरे के पूरे रियलिस्टिक बात करेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम एक रियलिस्टिक SIP प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप अपने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप एक ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म यानी कि 20-25 साल के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसको ग्रोथ के लिए छोड़ देते हैं, तो जब आपका मैच्योर्ड वैल्यू आ जाएगा तो आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए होगा दोस्तों। इस पैसे से आप अपने रिटायरमेंट के लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं दोस्तों। तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर। यहाँ पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट में हम इसको सिर्फ 1,000 रुपये मान के चलते हैं, ताकि इसको हर कोई कर सकता है। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है 15,000, 20,000, 10,000 के आसपास भी है, तो 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर के लिए आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें बस एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना है जो कि सालाना आपको लगभग 20% का रिटर्न दे। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको दोस्तों हम 20 कर देंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम इसको बढ़ा के लगभग मान लीजिए इसको हम 20 कर देते हैं। तो इसके चलते दोस्तों यहाँ पे अब ये जो टाइम पीरियड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप 1,000 रुपये का SIP 20% के हिसाब से 10 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 4 लाख रुपए। इसी को अगर दोस्तों आप 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 20 साल के बाद आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 31,61,000 रुपये। और अगर दोस्तों इसको आप और थोड़ा सा बढ़ा के 26 साल तक कर देते हैं तो देखिए 26 साल में आपको मिल रहा है 1,05,32,714 रुपये। यानी कि मान लीजिए अभी आपकी उम्र 30 साल है, अप्रोक्सीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। ये टाइम पीरियड में हर कोई कुछ ना कुछ इनकम करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो 30 साल की उम्र में आप सिर्फ 1,000 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब आपकी उम्र 56 हो जाएगा, 56 साल में आपके पास होगा 1 करोड़ रुपये। और बुढ़ापे में आपको किसी के पास काम नहीं करना होगा और ना आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा दोस्तों। इसी 1 करोड़ को अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो हर महीने आपको कम से कम 50,000 रुपये मिलेगा दोस्तों। तो चलिए, ये कौन सा प्लान है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस प्लान का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मिड कैप फंड है दोस्तों। मिड कैप फंड यानी कि जो मीडियम कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, वहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगा। ये इक्विटी के कैटेगरी में आती है दोस्तों, और इसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो 25.97% का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ऑल को चूज कर लिया है। जब से ये शुरू हुआ है, यानी कि दोस्तों ये शुरू हुआ था लगभग 2014 के आसपास और अभी चल रहा है 2024, तो पिछले 10 साल में औसतन इसने 25.97% का ग्रोथ दिया है दोस्तों। तो अगर हम इसको 20 भी मान के चले तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। अब इस फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो देखिए, यहाँ पे इस फंड को लोगों ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है। यहाँ पर आप अपनी SIP यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसका फंड साइज यहाँ पर लोगों ने लगभग 12,627 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों। देखिए, इतना ज्यादा पैसा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और 5 स्टार का रेटिंग है, इसका मतलब आप यहीं से समझ सकते हैं कि ये फंड एक अच्छा फंड होगा, नहीं तो लोग यहां पे इतना ज्यादा पैसा क्यों इन्वेस्ट करते। अब अगर हम यहां पे एक रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो मान लीजिए यहां पे आप एक ही बार में, जैसे कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए आपने दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपए का निवेश किया होता 1 साल से पहले, तो सिर्फ एक ही साल में आपका पैसा 1,00,000 से 1,70,000 के आसपास हो गया होता दोस्तों। 3 साल में आपका 1 लाख रुपए 2,72,000 और 5 साल में दोस्तों यही पैसा आपका 4,50,000। यानी कि सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 4.5 गुना हो गया होता दोस्तों। पर हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इतना बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होगा,
तो हम दूसरे ऑप्शन SIP में हम कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे आप सिर्फ ₹500 से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं होल्डिंग की, तो देखिए ये अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को 24 कंपनी में डाइवर्सिफाई कर देगा, जैसे कि जियो फाइनेंस, वोडाफोन, जोमाटो, ये सब जितने भी अच्छे अच्छे कंपनी हैं यहाँ पे आपके पैसे को निवेश कर देता है दोस्तों। बात करें इसके पी रेशियो के, तो यहाँ पे इसका पी रेशियो 62.39 है, जो कि पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, पर यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अल्फा की बात करें तो 12.79 है, जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। बात करें इसके रिटर्न की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले एक साल में लगभग 70% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 39.7% का, 5 साल में 35.4% और एवरेज इसका रिटर्न लगभग 26% का रहा है। इसी तरह के कुछ और म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रो, जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों क्वाइंट मिड कैप फंड, इसको भी 5 स्टार का रेटिंग मिला है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसको 4 स्टार का रेटिंग मिला है। निपन इंडिया, कोटक एनर्जी, इन सब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा आप देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी फंड के बारे में आपको पूरा डिटेल में रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बना देंगे। अब आखिर में आते हैं दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो के, तो देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.59% है, यानी कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका सिर्फ 0.59% जो फंड मैनेजर होगा वो अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर लेगा। अगर आप एक साल से पहले यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड मिलेगा। अब दोस्तों रिसेंटली अभी आपने देखा होगा 2024 का बजट, जिसके हिसाब से दोस्तों आपको अभी 20% का टैक्स देना पड़ेगा, पहले ये 10% का था दोस्तों, अभी रिसेंटली ये चेंज होकर 20% हो गया। यानी कि अगर आप एक साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर एक साल के बाद आप अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक साल के अंदर अगर आपने 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा का इनकम किया है, तो पहले जो कि ये 10% था अभी 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसी के हिसाब से दोस्तों जहाँ पे, और अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं और आपका जो इनकम है वो 1,25,000 के ऊपर है, यानी कि आपका जो सालाना इनकम, सालाना प्रॉफिट है जो 1,25,000 के ऊपर है, उसके केस में आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। पहले ये वैल्यू ₹1,000 था जो, और अभी जो रिसेंट बजट आया है यहाँ पे इसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है, और ये जो टैक्स था दोस्तों पहले वो 10% था, इसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, यानी कि अभी आपको गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो का लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद दोस्तों।